हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, आज एक नए चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं। एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और आज ही वाइंड अप कर रहे हैं। बाबू, चैप्टर नंबर 8 है थ्योरी का। देखो, मैंने अभी 7th चैप्टर थ्योरी का नहीं कराया, एज सच उसमें कुछ है भी नहीं। बहुत बार बच्चे कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम नहीं कराया आपने थ्योरी का चैप्टर 7। भाई, डबल एंट्री सिस्टम कभी उठाकर तो देखो, उसमें एक बात लिखी हुई है ड्यूअल एस्पेक्ट पे, पूरा पढ़ाया हुआ है ड्यूअल एस्पेक्ट। उसमें दूसरी बात लिखी हुई है कि ट्रेडिशनल अप्रोच, कि अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, वो पर्सनल, वो रियल, वो नॉमिनल, उसके बारे में डिटेल मैंने बहुत बार कराया हुआ। उठाकर देख लेना, चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। वो चैप्टर 8 आज हो जाएगा। इसके बाद बचता है चैप्टर नंबर 5 थ्योरेटिकली, जिस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कल शुरू करेंगे, कल ही खत्म करेंगे, कोई परसों का दिन नहीं। ठीक है जी, आपका पहले चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर तक बिल्कुल पैक हो गया, मैक्सिमम रिवाइज हो गया। रिवाइज क्या नहीं हुआ इसके अलावा? एक सब्सिडरी बुक, एक जीएसटी, बाकी सब रिवाइज कर दिया मैंने। और सब्सिडरी बुक में मैं शुरू कर दूंगा बेटा परसों से, जितनी जल्दी होगा उसको भी पैक करेंगे। संडे को भी क्लास चलेगी, रेनबो वालों की डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म कर दूंगा। मेरी तरफ से सब कुछ ओवर है, आप देखो। बस मैं एक चीज रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, जीएसटी। बाकी टीचर कोर्स भी पूरा नहीं कर पाए होंगे, 100% बोल रहा हूँ इस चीज को। ठीक है जी, और कोई मेरे को ये नहीं कह सकता आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया। मेरे पास विद प्रूफ डला हुआ है, आप वीडियोस देख लो उठाकर, मैंने कितना क्या करा, कितना रिवाइज करा। ठीक है जी, और जिस पर टाइम देना था बहुत अच्छा खासा टाइम दिया भैया, सब जानते हैं इस चीज को। और वो चर्चा शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 8 की। मेरे साथ साथ पहले आप एक बात लिखेंगे, फटाफट से लिखना शुरू कर दो। सब सामने देखेंगे, मैं चैप्टर का बेस बना रहा हूँ। इवन बेटा अकाउंट्स के चैप्टर में ना आप खासियत देख लो बाबू, लोग बोल बोलकर ये शुरू करते हैं थ्योरी चैप्टर, मैं भी ये बोलकर शुरू करता हूँ। आफ्टर ऑल उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होता है। चैप्टर नंबर 2 अगर हमने बेसिक अकाउंटिंग था, मुझे बताओ बेटा कौन सी थ्योरी थी? बाद में घूम करके प्रैक्टिकल ही है। हम चैप्टर नंबर 3 भी करा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इतने सारे प्रिंसिपल बताए, कौन सी बात थ्योरी में बोली मैंने? सारे प्रिंसिपल प्रैक्टिकल। घूम फिर गए यहाँ इस चैप्टर में भी बेटा, बोल रहा हूँ थ्योरी चैप्टर है पर आफ्टर ऑल हर चीज में प्रैक्टिकल निकल जाएगा। बाबू, चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है बेटा? मैंने लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें बेटा किसी भी ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल होती है। चलो खैर, ये तो बेटा सिर्फ ऐसे ही है, हाथी के दांत दिखाने के। खाने के दांत कौन से, मैं बताता हूँ आपको। बाबू एक बात बताओ, आपकी एक फर्म है जिसमें आपने अलग से एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है जी? आपने अकाउंटेंट को कहा, अकाउंटेंट एक काम कर, फटाफट से ना 50,000 रुपए की सेल डाल दे। और वो अकाउंटेंट पता है क्या जवाब देगा? सर सेल डाल दूंगा, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो दो, हवा में थोड़ी सेल डाल दूं। और मैं कहता हूं चलो, आपका इंटरनल बंदा है, अगर आपके कहने पे आज डाल भी दे सेल, कल को बेटा इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, बिना सपोर्ट डॉक्यूमेंट के सेल को इनकम टैक्स एक्सेप्ट कर लेगा? सर अकाउंट्स में, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन को डालने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन को बेटा, उसके साथ जुड़ा हुआ एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, इट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बिना वो ट्रांजैक्शन डाली नहीं जा सकती। और बहुत सारी चीजें सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकती हैं। चलो ये आपका मेन अकाउंटेंट है, चलो अगर मेन अकाउंटेंट नहीं है, आपके पास कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंट है जो बेटा आपके पास पूरा दिन नहीं बैठता, शाम को 1 घंटे के लिए आता है, दिन भर में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो डालकर जाता है, तो शाम को 7 बजे आता है, 8 बजे चले जाता है। 7 बजे आपने कहा जी इतने रुपए की सेल डाल दे,
क्या कहेगा वो, छेड़ डाल देगा, कहेगा लाओ सपोर्ट डॉक्यूमेंट तो दो, कुछ तो दो साथ में। और बेटा अगर मेरे को बोलना हो तो मैं बोल सकता हूं, वो कहेगा इनवॉइस तो दे दो। इनवॉइस मतलब सिंपली बोलो तो बिल, बिल तो दे दो, और वो बिल ही सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आती है? ठीक है जी। सर अगर आज बिना सपोर्ट डॉक्यूमेंट के ट्रांजैक्शन डलवा दो, कल को वैलिड होगी ये बात इनकम टैक्स का नोटिस आने के बाद? फिर तो कोई भी कितनी भी सेल डाल दे, सपोर्ट भी तो करना चाहिए ना अकाउंट्स में उस चीज को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ रही है? क्या होते होंगे सपोर्ट डॉक्यूमेंट? एक सपोर्ट डॉक्यूमेंट का मैंने नाम बता दिया इनवॉइस, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे सात आठ हैं, किसी एक का नाम आप भी बता दो जिसकी वजह से हम कोई ट्रांजैक्शन डालते हो अकाउंट्स में, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाला कोई डॉक्यूमेंट। एक आपको बोलो, वेरी गुड, एक बच्चे ने जवाब दिया डेबिट नोट, बहुत बढ़िया। और कुछ क्रेडिट? अरे वाह, महा इंटेलिजेंट, तुम तो ज्ञानी पंडित निकले, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था। और कुछ? और कुछ? बस चलो क्या, सामने देखते हैं बाबू, प्लीज सब सामने देखते रहना, चर्चा बहुत सारी बढ़ेगी आगे। बेटा सबसे पहले मैं दो सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम लिख रहा हूं, आप अभी कुछ नहीं लिखे, एट द एंड में लिखने का मौका सब कुछ देंगे। बेटा मैं दो सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम लिख रहा हूं, पहले डॉक्यूमेंट का नाम है कैश मेमो, दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम है इनवॉइस, और यू में से अब। बेटा क्या फर्क होता है कैश मेमो में और बेटा इनवॉइस या बिल में, क्या फर्क होता है? और तो बेटा बड़ा छोटा सा फर्क है, एज सच फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं है। बेटा कैश मेमो हमेशा कैश सेल्स के लिए ही दिया जाता है, और बेटा इनवॉइस या बिल हमेशा क्रेडिट सेल्स के लिए दिया जाता है। मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी कहानी बताता हूँ, ठीक है ना जी। हमारा काम तो अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ, ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ है, हमसे बेटर कौन बताएगा सोर्स डॉक्यूमेंट? इनकम टैक्स के केसेस खुद लड़ते हैं भाई, तो हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा सा पता होगा क्या होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, किन चीजों को वैलिड मानता है लॉ। बाबू देखो, बोलने के लिए बोला जाता है कि कैश सेल्स के लिए कैश मेमो काट दो और क्रेडिट सेल्स के लिए इनवॉइस या बिल काट दो, पर प्रैक्टिकली बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी फर्म के अकाउंट्स बनते हैं मेरे ऑफिस में। बेटा हम अपने क्लाइंट को यही सजेस्ट करते हैं, आप एक ही तरीके का बिल छपवाओ, यानी कि इनवॉइस छपवाओ, ये अलग से छपवाने की जरूरत नहीं है। और ऊपर क्या करो, ऊपर ना दोनों ऑप्शन खुलवा दो, क्रेडिट और कैश। देखो इन दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, एक ही जैसा फॉर्मेट होता है दोनों का। मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं ऊपर कैश और क्रेडिट स्लैश करके दोनों खुलवा दो, अगर आपने कैश सेल्स काटी है तो इस पर टिक कर देना। जब भी मेरे ऑफिस में अकाउंट्स बन जाएंगे मैं समझ जाऊंगा ये कैश सेल्स है, इसको कैश की तरह रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपने क्रेडिट काटा है तो इस पर टिक कर देना, तो मैं क्रेडिट की तरह रिकॉर्ड करूंगा। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट को, ठीक है जी। पर बेटा वो कैसा लिखते तो हम इसी की चर्चा करते हैं। कैश मेमो और इनवॉइस देखने में बिल्कुल सेम है, बस कैश कैश मेमो कैश सेल्स के लिए काटा जाता है, और बेटा क्रेडिट सेल्स के लिए क्या काटा जाता है? इनवॉइस या बिल। बेटा सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट को देखते चलेंगे कि कैसा होता है देखने में, और पढ़ते भी चलेंगे। ये कैश मेमो के बारे में आपकी बुक लिखती है, एक बार फटाफट से पढ़ना। आपने कैश मेमो पढ़ा? बेटा एक बार कैश मेमो की शक्ल देखना, कैश मेमो आपकी फर्म का नेम है, आपकी फर्म का एड्रेस है, किसको काट के दिया है टू उसका नाम, क्या क्या गुड्स बेचे हैं, सारा डिस्क्रिप्शन, क्या डेट है, ब्ला ब्ला ब्ला। बाबू इनवॉइस या बिल एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं, शुरू की चार लाइनें तो पढ़ दो कम से कम, यहां तक पढ़ना, शुरू की चार लाइनें पढ़ना फटाफट से। अभी आज यहां पता लग जाएगा कितने लोग बिजनेस में हैं, अभी बताऊंगा देखना। पढ़ा आपने? एक बात गलत लिखी हुई है, अगर कोई बिजनेस मैन एक मिनट में बता सकता है। बाबू इसने बोला इनवॉइस या बिल में दो कॉपी होती है, तो यहां बिजनेसमैन
कितनी कॉपी होती है? अरे वाह, वेरी गुड। कितनी होती है? तीन होती है बाबू। द ओरिजिनल कॉपी इज फॉर द बायर, द डुप्लीकेट इज फॉर द ट्रांसपोर्टर, एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी इज फॉर आरसेल्फ। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, बिल जब भी काटा जाता है तीन कॉपी में काटा जाता है, पहली और दूसरी कॉपी के बीच में कार्बन, दूसरी और तीसरी कॉपी के बीच में कार्बन, यानी कि दो बार कार्बन लगता है। हम बेटा लिखते हैं फर्स्ट कॉपी पर, फर्स्ट कॉपी फाड़ी, जिसने हमसे सामान खरीदा उसको दे दी, सेकेंड कॉपी फाड़ी, अगर हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर को देते हैं, वो गुड्स लेके जाता है। भाई उसकी गाड़ी रास्ते में किसी ने पकड़ ली, सेल्स टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट ने, कि किसका माल लेके जा रहा है, कहाँ से आया, उसके पास प्रूफ ना हुआ पूरी गाड़ी सीज हो जाएगी, जाएगा बिल, उसके बाद जाएगा कि इन इन पार्टियों का माल है, देखो सब लीगल पे जा रहे हैं, सब जीएसटी पे जा रहे हैं, सबका टैक्स जा रहा है। डुप्लीकेट कॉपीज फॉर ट्रांसपोर्टर, बेटा पहली कॉपी भी फाड़ कर देते हैं बायर को, सेकंड कॉपी भी फाड़ कर देते हैं ट्रांसपोर्टर को, तीसरी कॉपी फाड़ते नहीं है, इससे अकाउंट्स बनते हैं। ये ट्रिप्लीकेट जो कॉपी है ये आपके खुद के लिए, ये आती है मेरे ऑफिस में, इससे मैं अकाउंट्स बनाता हूं, ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। समझ में आएगा? क्या देखने में इनवॉइस या कैश मेमो में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। देखो पार्टी का नाम, एड्रेस, किसको बेचा सामान, उसकी बात, क्या क्या डिस्क्रिप्शन, क्या क्या सामान बेचा है, वो ये सब। कैश मेमो और इनवॉइस बिल में कोई फर्क नहीं है, बस वो कैश सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है, दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? पक्का से आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू थर्ड वन लिखते हैं रिसीट, मैं ही लिख रहा हूँ, लिखा आप नहीं रहे बेटा कुछ भी। बाबू रिसीट हिंदी में बोले तो रसीद, क्या नल्ले ही हो, मैंने कहा रिसीट हिंदी में बोले तो यहां से हमारी रिसिप्ट, रिसिप्ट तो कोई चीज ही नहीं होती, रिसीट ही होती है, पी वर्ड साइलेंट है, ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रसीट। बाबू अगर मेरे बिजनेस में कोई भी, सुनो जी बेटा, मेरे बिजनेस में कोई भी कैश या चेक देकर गया है, मेरे बिजनेस में कोई भी कैश चेक या यूपीआई से पेमेंट करके गया है, तो मैं उसको रसीद देता हूँ जी, आपके पैसे आ गए, ठीक है ना जी। और हर बिजनेस देता है, ये आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है, लॉ नहीं बताता कैसे प्रिंट करना है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे प्रिंट करते हो। और मैं बता देता हूँ मेरे ऑफिस में भी ये सेम कल्चर, हम भी प्रिंट करा रखे, हमने भी रिसीट प्रिंट करा दी है। वरना यार क्या होता है, ज्यादातर लोग कैश दे जाते हैं, देखो यूपीआई का प्रूफ है, चेक का प्रूफ है, कैश का कोई प्रूफ नहीं होता। आदमी कैश दे गया बाद में, या तो हमने कह दिया हमारे पास नहीं आया, या उसने कह दिया मैं तो देकर गया था, लड़ते रहो लड़ाई, कैश का कोई प्रूफ तो होता नहीं, छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए बेटा हमारे ऑफिस में जो भी चाहे 1 रुपया कैश दे गया, पहले उसको रसीद मिलती है, ये संभाल के रखना, ठीक है जी। बाबू पढ़वा देता हूँ रिसीट के बारे में, फिर दिखाता हूँ। बाबू आपकी बुक में कहीं पर भी रिसीट का कोई फॉर्मेट नहीं है, एक बार पढ़ना फटाफट से। बाबू ऑल दो वर्टिकल फॉर्मेट में आ गई, मैं भी इसे डाउनलोड करके, या तो मैं इसे सीधा करूँ, इससे बढ़िया मैं पढ़वा दूँ, ठीक है ना जी। ये देख लो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है मनीष सोवन कंपनी, मेरी फॉर्म का एड्रेस, ये हमारी रसीद बुक है। कोई क्लाइंट है हमारे नीरज, उनसे 9,000 रुपये आए हुए हैं, लिखा भी हुआ है कहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने HDFC बैंक में डाले होंगे हमारे, और ये अभी की रसीद है, बिल्कुल लेटेस्ट है, 26 जुलाई की, ठीक है जी। एक नहीं मेरे पास दो तीन आई है, मैंने दो तीन कहा था, मैंने कहा वरना आप पाने के नहीं, कहाँ से आ रहे, ठीक है जी। ये देखो रसीद का नंबर भी है साथ साथ, ठीक है जी, 1055, 1500 रुपये। कोई क्लाइंट है महेंद्र शर्मा, उनसे आई है, ठीक है जी। लक्ष्य वर्मा कोई क्लाइंट है, अगेन इन्होंने HDFC बैंक में डायरेक्ट पैसे डाले हुए हैं। तो बाबू हम रसीद काट के देते हैं, कोई हमें कैसे भी पैसे दे दे, कैश दे दे, चेक से दे दे, यूपीआई से दे दे, और हर बिजनेस का ये इंटरनल मैटर है, ठीक है जी। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर हो गया रसीद, आगे बढ़ जाए। चलो जी बाबू, मुझे एक बच्चे ने ये भी बताया, डेबिट नोट भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, क्रेडिट नोट भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट है। आओ प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं इसकी। बाबू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये क्या चीज होती है, और इसका नाम ऐसे ही क्यों पड़ा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? बेटा परचेज रिटर्न के लिए जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट है बेटा, उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट, और बेटा सेल रिटर्न के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं बेटा क्रेडिट नोट। देखने में कैसा होता है ये भी मैं दिखाऊंगा बुक में, नाम ऐसे क्यों पड़े थोड़ा सा समझाता हूँ। बेटा आप सूरत से गुड्स खरीद कर लाए,
आपकी एक पार्टी सूरत में है और आप रायवाला में बिजनेस करते हो, एंट्री क्या डालेंगे फटाफट से बताओ। गुड्स खरीदा है, एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी आपके सप्लायर का नाम है, मान लो बेटा ए, ठीक है, आपने सामान खरीदा 5 लाख का, एंट्री डाल दो। बाबू 15 नग आए सूरत से और 1 नग में सारा माल खराब है, कि वो है जो आपने सैंपल में सेलेक्ट भी नहीं किया था, कर देते हैं कुछ सप्लायर का ऑर्डर। आपने क्या करा, आपने उसको फोन करा, ये नग मेरा नहीं है भाई, ये तो गलत नग भेज दिया, वापसी भेज रहा हूँ 13 नग तेरे को, ठीक है जी। बाबू अब अच्छा एक बात बताओ, अब आप सिंपल अगर ये क्या करो, एक रिक्शा वाले को बुलाओ और बेटा ये सब ट्रांसपोर्ट पे डलवा दो, उसे ले जा, वो क्या करेगा ट्रांसपोर्टर आपको? भाई अगर ये सामान आप बेच रहे हो तो मुझे इनवॉइस दे दो, और अगर आप ये सामान वापसी भेज रहे हो तो कोई तो डॉक्यूमेंट दोगे ना सपोर्ट करने के लिए। रास्ते में गाड़ी पकड़ ली, मैं क्या जवाब दूंगा, किसका सामान है, किस बात का सामान है, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, वरना जीएसटी वाले डिपार्टमेंट मान जाएंगे, वो इतने सीधे हैं। हाँ जी वापसी जा रहा होगा, बिल्कुल ठीक, फिर तो एक दिन में 100-200 नग ऐसे निकलते रहेंगे, वापसी जा रहा, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा बेटा, उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। Why it is set to be debit note? बेटा purchase return की transaction क्या डरती है, पहले ही बताओ, journal entry क्या डालते हो? बाबू purchase अगर हमेशा debit होती है तो purchase return credit होती है, यानी कि simple सा मतलब है आपका supplier debit होगा, आपकी party debit होगी, इधर देखना, इसी वजह से इसका नाम पड़ा debit note। बाबू हम debit note में पता है क्या लिख के भेजते हैं, कि party तुझे debit कर रहे हैं। debit करने का क्या मतलब है, तुझे books से कम कर रहा हूँ भाई, तेरे पैसे देने थे 5 लाख पर तूने 1,50,000 रुपए का बिल्कुल खराब भेजा है, तुझे बुक्स में कम कर रहा हूँ, तुझे बुक्स में डेबिट कर रहा हूँ मैं 50,000 रुपए से, अब तेरे 4.5 लाख रुपए दूंगा। इस वजह से इसका नाम डेबिट नोट पड़ा, क्योंकि पार्टी वहां पर डेबिट होती है। समझ में आई बात? देख लो बेटा एक बार, डेबिट नोट दिखने में जैसा होता है, और मैं पढ़वा भी देता हूँ, ये है डेबिट नोट, कुछ नहीं, फर्म का नाम, आपका एड्रेस उड्रेस, किसको सामान भेज रहे हो उसका नाम और एड्रेस, ये देखना प्लीज, ये लाइन पढ़ो कितनी बढ़िया लिखी हुई है, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट, हम पार्टी को लिख कर ये भेजते हैं कि तेरा अकाउंट डेबिट कर रहे थे, अभी तो उसका नाम डेबिट नोट पड़ा। समझ में आई बात, परचेस रिटर्न को सपोर्ट करने वाला डॉक्यूमेंट क्या है, डेबिट नोट, ठीक है जी। सेम वे क्रेडिट नोट भी है। बाबू ये क्रेडिट नोट क्या चीज है? बाबू अगेन सेल रिटर्न के लिए यूज होता है। अच्छा अगर आप किसी को सेल करते हो, एंट्री क्या करते हो, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, आप एंट्री करते हो बी टू सेल्स, आपका एक कस्टमर छोटूमल बोल रहता है, आपने उसको सामान बेचा 3 लाख रुपए का, ठीक है जी, उसको सामान नहीं आया 20,000 रुपए का सामान, उसने कहा जी मैं वापसी भेज रहा हूँ, बाबू वो डेबिट नोट लगाकर वापसी भेजेगा, इधर देखो प्लीज, वो डेबिट नोट लगाकर वापसी भेजेगा। आप बेटा यहाँ से क्रेडिट नोट जरूर प्रिपेयर करोगे, चाहे उसे व्हाट्सएप डालो, चाहे कुरियर से भेजो, चाहे कैसे भी, हम खुद जरूर प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट, उसके डेबिट नोट पे ट्रांजेक्शन नहीं डलती, मेरे स्टाफ नहीं डालता, हम क्रेडिट नोट जरूर भेजते हैं उसको। क्रेडिट नोट भेजने का मतलब ही क्या है बेटा, अगर सेल हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होती है, बेटा क्रेडिट नोट भेजने का मतलब यही है कि पार्टी तुझे क्रेडिट कर रहा हूं, देख तुझसे पैसे तो 3 लाख लेने थे, तो मेरा डेटर 3 लाख लेने थे, पर क्योंकि तूने 20,000 का सामान वापसी भेज दिया, इसलिए तुझे मैंने बुक्स में क्रेडिट कर दिया, अब तुझसे 2.80 लूंगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने 5 डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर, अच्छे से रीड करवाया मैंने, सब कुछ बताया, फॉर्मेट तक दिखाया हर चीज के, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर। आगे बच्चे बाबू 6th और 7th ट्रांजेक्शन, इन दोनों की भी चर्चा करते हैं। बेटा 6th ट्रांजेक्शन इज पेइंग स्लिप। बेटा जब भी बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करते हो, उसका सपोर्ट डॉक्यूमेंट यही होता है, कैश और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। किसी ने देखी है पेइंग स्लिप? जाता है कोई बैंक? जाता है? आइडिया है पेइंग स्लिप का? बाबू मैं बता देता हूँ पेइंग स्लिप देखने में कैसी होती है, इवन मेरे पास अवेलेबल है, कच्चे काम नहीं करता मैं ऐसे, ठीक है जी, जब पढ़ा रहा हूँ तो बेटा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, और ये मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर तो नाम का ही है, कौन आदमी है जो मेरे पाप में से बोल देगा कि ये थ्योरी चैप्टर है, मतलब ही टोटल बात प्रैक्टिकल चल रही है। बेटा पेइंग स्लिप देखने में कैसी होती है? बेटा 2 पोर्शन में डिवाइड होती है, यहाँ पर बेटा परफोरेटेड लाइन्स होती हैं, परफोरेटेड लाइन्स मतलब 1 मिनट में कागज फट जाएगा यहाँ से। बेटा मैं जब भी कैश जमा करता हूँ, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम और कैश की डिटेल, या चेक जमा करता हूँ, अपना नाम, अकाउंट नंबर, कौन सा चेक नंबर है उसकी डिटेल, डेट, सब कुछ लिखता हूँ।
सेम सारी डिटेल यहाँ पर भी लिखता हूँ, यहाँ दो चार डिटेल एक्स्ट्रा होती है, जैसे कि बैंक मुझसे मेरा मोबाइल नंबर जरूर लेता है यहाँ पर, इनकेस कोई एरर रहा तो मुझे फोन करके बताते, सब कुछ। बाबू बैंक क्या करता है, दोनों जगह पर स्टैंप लगाता है, साइन करता है, और बेटा इधर वाला पोर्शन फाड़कर अपने पास रख लेता है, ये आपको दे देता है। मैंने बैंक में कैश जमा करा 50,000 आज, ठीक है जी, मेरे पास ये हिस्सा आ गया, मैं फटाफट से जाता हूँ अपने अकाउंटेंट को देता हूँ, ये लगा दे भाई साहब सोर्स डॉक्यूमेंट के रजिस्टर में, और 50,000 की एंट्री डाल दी। सेम कोई भी चेक जमा करके आता हूँ बेटा, पेन स्लिप ही है वो सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके दम पर एंट्री डलेगी। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आकाश भाई पोज करके एक बार डिस्प्ले करना आपके पास है। बाबू ये HDFC बैंक की पेइंग स्लिप है, ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखते हैं, लिखा हुआ है अकाउंट नंबर लिखते हैं, जिस पर्सन के नाम पर अकाउंट नंबर है उसका नाम, ठीक है जी, कुछ भी समझ लो, XYZ अकाउंट नंबर लिख दिया, मनीष कालरा लिख दिया, कैश है या चेक, कैश है तो यहाँ कैश लिखा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 50,000, ये अमाउंट इन वर्ड 50,000 ओनली, डिपॉजिटर सिग्नेचर, डिपॉजिटर नेम मनीष कालरा, साइन, चल खत्म। अगर चेक होता यही सब डिटेल एज इट इज, कैश की जगह लिखता चेक, यहाँ पर चेक का नंबर बिजनेस स्टडीज के बैच में बताया हुआ है, चेक 6 डिजिट का ही होता है, पूरा चेक दिखाया हुआ है आपको, ठीक है जी। यहाँ पर चेक की अमाउंट, यहाँ अमाउंट, नाम, साइन, खत्म। सेम डिटेल इधर भी है, मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा है, ये देख लो कॉन्टैक्ट नंबर एक्स्ट्रा है, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक मुझसे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट कर सकता है। अभी बाबू एक बच्चे ने चीका की पैन भी है, भाई आज की तारीख में पैन का कॉलम यहाँ पर मुझे लगता है यूजलेस है, क्योंकि कोई भी अकाउंट बैंक बिना पैन के खोलता ही, तो पैन नंबर बैंक के पास पहले ही आप डालोगे ना डालो, ये तो बस कहने की बात है, ठीक है जी। ये बस ज्ञान थ्योरी नहीं है, जिनको प्रैक्टिकल पता उनको प्रैक्टिकल ही पता, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने बताया था ये परफोरेटेड लाइन्स होती हैं, दिखाई भी दे रही होगी पूरी परफोरेटेड लाइन, मेरे को लगता है डन, पेन स्लिप खत्म, समझ में आ गया, अच्छे से आगे बढ़ा। बबो सोर्स डॉक्यूमेंट में एक लास्ट डॉक्यूमेंट है चेक। बाबू जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो थ्रू चेक, तो बेटा उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। मैं बता देता हूं ज्यादातर बिजनेसेस क्या करते हैं, प्लीज सुनना, बड़े काम की बात बोलूंगा, ज्यादातर बिजनेसेस क्या करते हैं, बेटा आज मैंने किसी के 5 लाख रुपए देने हैं, मैंने चेक काटा 5 लाख रुपए का, बैंक में भिजवाने से पहले या उस पार्टी को देने से पहले मैं अपने अकाउंटेंट को कहता हूँ इसकी फोटोस्टैट जरूर करके रख ले, फोटोस्टैट कर और इसकी एंट्री डाल दे कि हमने तुझे इस चेक के थ्रू, ये फला वाला चेक नंबर है, इसके थ्रू 5 लाख रुपए दिए थे, ठीक है जी। कई बार अगर आप भूल भी जाते हो चेक की फोटोस्टैट कराना, सीधा पार्टी को दे दिया, चेक काटा और दे दिया, फोटोस्टैट नहीं कराए, तो बेटा एक और चीज सोर्स डॉक्यूमेंट बन सकती है, अगर चेक आपके पास नहीं है तो बेटा काउंटर फॉइल बड़े काम की चीज है। बेटा मेरी तो हैबिट है, पता नहीं लोगों की हैबिट है क्या, नहीं बेटा हर चेकबुक में ना शुरू के 2-3 पेज काउंटर फॉइल के मिलते हैं, जहां पर आप लिखते हो कि मैंने कब चेक इशू करा था, डेट लिखते हो, किसको इशू करा था, चेक नंबर, सब कुछ लिखते हो, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूं अगेन, मेरे पास इस चीज का भी प्रूफ है, मैं लाया हूं कि मैं लिखता हूं और पता नहीं कब कब से लिखा हुआ है मैंने, आकाश भाई ये भी दिखा देना एक बार, जब जल्दी में होता हूं, ठीक है जी। 20 जनवरी 2021 को चेक इशू किया था, ये कोई मैंने अभी बैठ के डिटेल नहीं लिखी, चेक नंबर 8 किसी को भी इशू किया था कि कोई भी अमाउंट ही छोड़ दो, ठीक है जी। चेक नंबर 9 इशू करा था किसी को भी, 10, 11, 12 सबकी डिटेल है मेरे पास विद डेट, सब डिटेल लिखता हूँ। बाबू ये काउंटर फाइल है और हर चेकबुक में होती है, शुरू के 2-3 पेज होते हैं इसके, ठीक है जी। अरे तुम क्या करते रहते हो सीक्रेट बात थी मेरी, ठीक है जी, कुछ नहीं, सब के में थी अमाउंट और कुछ नहीं था, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, बात समझ में आई, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है जी। 7 सोर्स डॉक्यूमेंट है, अभी बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, 7 सोर्स डॉक्यूमेंट में, समझ गए सब कुछ, आगे बढ़ाए बात को। थोड़ी सी बात बचती है बेटा चैप्टर की, अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत देर से ना मैं एक बात आपको झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को वो करेक्ट करना है, ठीक है ना, मैं वो अगर झूठ ना बोलता ना बेटा अभी तक चैप्टर चलता है, ठीक है नहीं, बस मैं थोड़ा सा झूठ करेक्ट कर देता हूँ बेटा। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे जनरल एंट्री नहीं डलती, जनरल एंट्री डलती है वाउचर के दम पर, सोर्स डॉक्यूमेंट बिजनेस में जरूर आते हैं, उससे बनवाते हैं वाउचर, वाउचर से जनरल एंट्री डलती है, ऐसा क्यों करते हैं थोड़ा सा समझो, और वाउचर इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर एनी बिजनेस। बाबू हमें ना डर रहता है, अब हमारा अकाउंटेंट हफ्ते में 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, और कितनी बार कहता है लाओ बुक्स दो डॉक्यूमेंट,
दो मैं घर से कर लाऊंगा एंट्री। अब हमें डर लगता है यार ये खो ना दे, और सबको डर लगता है खो देगा। इनकम टैक्स में तो आपके ही आफत आएगी, उसकी तो कोई आफत नहीं है। हम कभी भी उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने में विश्वास ही नहीं होते। हम करते क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, इनवॉइस आ गया, इनवॉइस से सेम वाउचर तैयार कराया, वाउचर पे जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसने साइन करे, और बेटा वाउचर ही दिया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट से वाउचर से ही एंट्री डलवाई। हम ज्यादा और इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने में विश्वास नहीं रखते। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो भी सकता है, इंफॉर्मेशन लीक भी कर सकता है, बहुत कुछ और कर सकता है उससे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात क्या? लेकिन वाउचर इनकम टैक्स अथॉरिटी या किसी भी बेटा अथॉरिटी के सामने प्रूफ है नहीं। वाउचर बेटा आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कितनी सेल काट लो, कितनी परचेज काट लो, कितने एक्सपेंस चढ़ा दो, कितना बैंक में बैलेंस जमा दिखा दो, वाउचर बेटा किसी अथॉरिटी के सामने कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ हमेशा सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर सिर्फ भी आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जिनके नाम पे ट्रांजेक्शन तो डलवा दी। अगर कल को इनकम टैक्स का नोटिस आया, वाउचर लेके नहीं जाने, सोर्स डॉक्यूमेंट ही लेके जाने, उसी को मानता है इनकम टैक्स। क्लियर है बात? बाबू सातों के लिए एक एक दो दो लाइन की जगह छोड़ दो, जितना मैंने लिखा है सात डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद हेडिंग लिखो वाउचर, और जितना मैं लिख रहा हूं उतना मेरे साथ साथ लिख दो फटाफट से। बस लिखते रहो, दो फटाफट से लिखना, दो तरफ सिर्फ 2 मिनट की बात बचती है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, होपफुली यहाँ से कुछ भी आएगा बेटा अच्छे से करके आओगे अटेम्प्ट, ठीक है ना? क्योंकि मैंने सब कुछ चीजें प्रैक्टिकल दिखाई भी हैं, सारे प्रूफ दिए हैं। मीटर देखना, वाउचर में मैंने लिखा वाउचर दो तरीके के हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को ही कुछ लोग ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। कैश वाउचर मतलब हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश है उसके लिए कैश वाउचर ही प्रिपेयर होगा, और बेटा हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है उसके लिए बेटा नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर होगा। सबसे सिंपल बात बेटा, कैश वाउचर दो तरीके का है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। सुनना आराम से जरा बात बेटा, मैंने लिखा है डेबिट वाउचर यूज होता है कैश पेमेंट के लिए। एक बात बताओ, मैं किसी को कैश पे कर रहा हूँ, एंट्री क्या होगी? कैश पे कर रहा हूँ, कैश तो जा रहा है, क्या जब भी बिजनेस से जाता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। मैंने क्या लिखा बेटा, डेबिट वाउचर इज यूज फॉर कैश पेमेंट। क्यों ऐसा क्यों लिखा बेटा? देखो डेबिट वाउचर में ना सिर्फ आप डेबिट साइड ही भरते हो, क्रेडिट भरते ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी क्लियर है। अगर मैं डेबिट वाउचर भर रहा हूं
बेटा सिर्फ डेबिट साइड बतानी, क्रेडिट बतानी, क्योंकि क्रेडिट सबको क्लियर है कैसे गया बिजनेस से। क्रेडिट साइड कभी नहीं बताई जाती है डेबिट वाउचर में। डेबिट वाउचर किसका पार्ट है? कैश वाउचर का ही पार्ट है, यानी कि कैश तो पक्का है। और अगर डेबिट वाउचर में सिर्फ डेबिट साइड है, इसका मतलब क्लियर है कि क्रेडिट साइड क्या है, सिर्फ कैश है, सिर्फ कैश पेमेंट के लिए यूज होता है डेबिट वाउचर। लो जी, सिर्फ हवा में बात नहीं है, देख लेते हैं बेटा। डेबिट वाउचर ये है देखने में, एक मिनट सामने देखना सब। डेबिट वाउचर, पार्टी का नाम, एड्रेस क्या है, वाउचर नंबर, डेट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये देखना सिर्फ क्या बताया हुआ है कि डेबिट किसको करना है। डेबिट करना है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को, और लिखा हुआ है फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया, कहीं लिखा क्रेडिट क्या करना है? सबको पता है क्रेडिट किसको करना है, यानी कि नगद खरीदी होगी ये, समझ में आएगा। सेम वे क्रेडिट वाउचर किसके लिए है? कैश रिसीव्स के लिए। बेटा कैश रिसीव हुआ, कैश जब भी आता है बिजनेस में डेबिट होगा। बेटा क्रेडिट वाउचर में क्या बताना होता है? सिर्फ क्रेडिट साइड बतानी होती है, क्योंकि डेबिट तो सबको क्लियर है ना, डेबिट तो सबको पता है ना, कैश आया ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा मैंने बताया कि नॉन कैश वाउचर भी होता है। नॉन कैश वाउचर मतलब जिसमें भैया कोई भी कैश की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। बेटा ऐसे वाउचर में दोनों दोनों साइड बतानी पड़ती होगी कि नहीं? दोनों साइड बतानी पड़ती है। लो देख लो इसकी शक्ल भी, वैसे क्रेडिट वाउचर का एग्जांपल था, देखो सिर्फ क्रेडिट साइड लिखी हुई है, सेल अकाउंट, समझदार तो समझ गया, कैश सेल्स हुई होगी ना, कैश डेबिट हुआ होगा। इधर देखना नॉन कैश वाउचर, शक्ल देखना इसकी। बेटा मैंने क्या बताया था? नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बतानी पड़ेगी। ये देखना, डेबिट कर दो परचेज अकाउंट को, ये सामान खरीदा, क्रेडिट कर दो तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स, क्योंकि इनसे सामान खरीदा, तो दोनों ही साइड बतानी पड़ेगी। चैप्टर डन है, बस एक आखिरी बात जो आपने पढ़नी है, जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबू बहुत बार डिफरेंस आता है इस चैप्टर से, सोर्स डॉक्यूमेंट वर्सेस वाउचर, डिफरेंस बता दो 4 मार्क्स। और बेटा यही वो 4 डिफरेंस है जो सारे काम के हैं, बस इसको पढ़ लो। रख हम आज के लिए इतना ही रहे हैं, चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया, बाय बाय।